Good morning, students. This is online classes conducted by St. James School and College. And today we are going to start our science class third chapter third. Okay, working together. Okay, जैसे कि main से क्या किया है working together means एक साथ एक group में होके काम करना, एक unity के साथ काम करना. तो in this chapter we have learned to about the our roles, ठीक है, and our responsibility in our family and in our society. Let's start the story. The students of class 3 were very happy because they were going to perform a musical play on the annual function. ठीक है, class 3 के students हैं बहुत खुश हैं because वो क्या कर रहे हैं, एक musical show perform कर रहे हैं, musical play perform कर रहे हैं किस occasion पे, annual day के function पे. Some were going to sing and some were going to dance and some were going to perform the some role backstage. कुछ ऐसे students हैं जो singing कर रहे हैं, कुछ डांसिंग कर रहे हैं, कुछ बैक स्टेज से अपना रोल प्ले कर रहे हैं. द वंस हु वर असाइन बैक स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर अनहैप्पी बिकॉज, बट उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बैक स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और इसलिए वो क्या है, दुखी हैं क्योंकि वो फ्रंट में आके अपने टैलेंट को शो नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज दे वुड नॉट बी सीन परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं स्टेज से नहीं दिखाई देंगे. When the teacher in charge noticed this, she called and talked to all of them. फिर जो teacher in charge थी उन्होंने ऐसे बच्चों को स्टेज पर बुलाया, ठीक है, एंड उनसे पूछा कि why you are sad. She said every role in this play, whatever on the stage or back stage is equally important. और उन्होंने बच्चों को समझाया कि कोई भी रोल होगा, वो ऑन द स्टेज हो या बैक स्टेज हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. If anyone of you fails to this and her task well, it will affect the whole play. अगर इनमें से किसी एक भी बच्चे का रोल प्रॉपरली नहीं हो पाया तो हमारा जो पूरा प्ले है वो इससे इम्पैक्टेड होता है. एंड इफ ऑल ऑफ यू डू वेल, अगर आप सभी बहुत अच्छा करते हो, देन द सक्सेस विल द प्ले विल बी सक्सेसफुल, और प्ले सक्सेसफुल था बिकॉज इसमें क्या बताया कि हम कोई भी काम यूनिटी के साथ करते हैं, हर एक पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर किसी एक पर्सन ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली प्ले नहीं करी तो क्या होता है, सारा का सारा जो वर्क होता है वो इम्पैक्टेड होता है और जो सक्सेस उसकी नहीं हो पाती है. इट इज जस्ट दैट ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमारी सबकी एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, डिफरेंट होती है. एवरी रोल इन इज इम्पॉर्टेंट, सो टास्क बिग और स्मॉल ऑल आर द नीडेड एंड आर इम्पॉर्टेंट. सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी इम्पॉर्टेंट होती हैं और किसी का टास्क बड़ा या छोटा नहीं होता है, सबकी इम्पॉर्टेंस बहुत इक्वल होती है किसी भी वर्क को करने में. देयर टीचर एडेड एवरी वन कैन नॉट प्ले द लीड रोल, फिर टीचर ने बोला कि हर कोई लीड रोल नहीं कर सकता है, ठीक है. स्पीक द सेम लाइन्स और वेयर द सेम कॉस्ट्यूम, हर कोई एक जैसे कपड़े नहीं पहनता, हर कोई एक जैसी लाइन्स नहीं बोल सकता है. इवन इफ इट इज इट पॉसिबल नॉट दैट द बोरिंग, अगर ऐसा होगा तो हमारा प्ले क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा. एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले, हर किसी का एक डिफरेंट रोल है प्ले में. डिफरेंस इन रोल मेक इट इंटरेस्टिंग, और जो डिफरेंस होता है, जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अलग अलग रोल होते हैं, यही प्ले को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, यू विल फाइंड इट, और आप इस चीज़ को फाइंड आउट करोगे कि इट इज़ डिफरेंट दैट ऑल्सो मेक अ नेचर वर्क एज अ टीम. आप नेचर में भी देखोगे हर किसी का डिफरेंट रोल है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के ट्रीज हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट तरीके वैराइटी के जो ह्यूमन बींग्स हैं, देखिए फेस उनका अलग, उनका नेचर अलग है, ठीक है, उनका कल्चर अलग है. तो नेचर ने ही इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, नेचर ने ही मैसेज कन्वे किया है कि डिफरेंसेस होने चाहिए, ये डिफरेंसेस ही हमारी लाइफ को आगे गोइंग ऑन करते हैं. व्हेन द प्ले वॉज ओवर देयर टीचर सेड, जब प्ले फिनिश हो गया और टीचर ने बोला ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, और तुम सब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. ऑल ऑफ यू वर्क एज अ टीम जस्ट लाइक अ नेचर, और तुम सभी ने मिलकर एक साथ एक टीम वर्क किया है जैसे नेचर करती है, जैसे प्रकृति करती है. टीम वर्क मीन्स टू परफॉर्म द रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू यू इन अ बेस्ट वे. टीम वर्क का मीन्स क्या होता है, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करते हुए एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं तो वो क्या होता है, टीम वर्क. नाउ नेक्स्ट टाइम द चिल्ड्रन हु वर बैक स्टेज विल बी ऑन द स्टेज, और टीचर ने आगे कन्वे कंटिन्यू करते हुए बोला कि नेक्स्ट टाइम जिन बच्चों ने बैक स्टेज रोल प्ले किया है उन्हें हम ऑन
वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। सारे बच्चों को अब इस बात से समझ में आ गया था कि वर्क एक साथ काम करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। दे ऑल सेड, सभी ने बोला वी विल वर्क टुगेदर एज अ टीम इन द फ्यूचर ऑल्सो। बस सब ने अपनी मैथ टीचर से बोला कि हम आगे फ्यूचर में भी एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर वर्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे, जिससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सके। तो हमने इस सेशन से क्या लर्न किया है कि एवरी वर्क इज इक्वल, सारे ही काम ज़रूरी होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। वॉट एवर इट इज़ अ बिग और स्मॉल, वो छोटा है या बड़ा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली प्ले कर लो। इन अ टीम एवरी वन वर्क्स टुगेदर टूवर्ड्स द सेम गोल। हम सारे लोग मिलकर जब टीम वर्क करते हैं तभी हम किसी एक गोल को अचीव कर सकते हैं। एवरी वन हैज़ अ रोल टू प्ले इन लाइफ, हर किसी की लाइफ में, ठीक है, स्कूल लाइफ हो या घर की लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हर किसी का एक अपना डिफरेंट रोल होता है। जैसे मम्मा है उनका डिफरेंट रोल होता है, पापा का डिफरेंट रोल होता है, आपका अपनी लाइफ में डिफरेंट रोल है, आपकी अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सारे लोगों का क्या, हमारा सारा जो हमारा एम होता है वो हमारी लाइफ को अच्छे से मैनेज करके आगे कंटिन्यू करना होता है। बट इसके लिए मम्मी अलग रोल प्ले करती हैं, पापा अलग रोल प्ले करते हैं और हम सारे लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करके किसी एक गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं। वे शुड वर्क टुगेदर, और हम सबको एक साथ मिलकर ही वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप आपने समझा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने का क्या फंक्शन होता है। इवन आपने यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे उनमें भी आपने देखा होगा, जैसे आंट, ठीक है, आंट क्या करती, कभी देखा है, एक छोटा सा जो है शुगर का पीस भी उसे ले जाना होता है तो वो सारे मिलके एक साथ काम करती है। और उनका पर्पस क्या होता है कि बारिश आने से पहले, विंटर आने से पहले वो अपने फूड का कलेक्शन कर लें, ठीक है। बट वो किसी एक के लिए नहीं करती, पर्सनली अपने लिए, अपने पूरे ग्रुप के लिए करती है, और वो सारे के सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आगे आने वाली फ्यूचर में वो बहुत ईजी सॉर्ट आउट हो जाती है। सो हमें अपनी लाइफ में हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने रोल्स को प्ले करना चाहिए। जैसे आपकी इस समय सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टडी वर्क को कंटिन्यू करना। आप सबकी हेल्प से भी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, बट जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से प्ले करोगे, अपना रोल अच्छे से प्ले करोगे, तो आप अपने फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हो। नाउ दिस स्टोरी इज फिनिश्ड, थैंक यू स्टूडेंट्स।